Hello, how are you? Hello, जी. यू हियर हाँ, मी? मुझे आ रही है आपकी आवाज. क्या नाम है आपका? अच्छा, बेसिकली मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से हैं. तो अभी आप कहाँ पर हैं? रावलपिंडी में या हाँ बाहर जी, हैं? अभी वैसे तो मैं दुबई में ही होता हूँ, सो अभी पाकिस्तान में आया हूँ, अच्छा, लेकिन आगे प्लान है कनाडा जाने कनाडा का। जाने का प्लान है आपको. कनाडा आके क्या करेंगे आप? एक्चुअली मेरी फियांसे होती है ना वहाँ अच्छा, पे। आपकी फियांसे कनाडा में है. वाह. अच्छा, हाँ, लोकल ही है उनकी। अब आप कनाडा आएंगे, तो अगर आप कनाडा आ जाते हैं और यहाँ पर भाई इस्लाम के बारे में कोई कुछ बोल देता है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप भी इनकी तरह खड़े हो जाओगे, उनके गले काटोगे? बेसिकली मैं तो टोटल जो है ना, ये जो रिलीजियस है इससे बहुत दूर हूँ। मुझे जो है, मेरा जो मजहब है वो ह्यूमैनिटी है, सो आई जस्ट बिलीव इन ह्यूमैनिटी। चलेंगे, अच्छी बात इस चीजों का मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो ये जो लोग एक है. दूसरे आई को कर डोंट रहे थिंक कि होते हैं, आपको ये कैमरे बल्कि के सामने मुझे बोलना मुझे चाहिए. आप पाकिस्तान में हो, आपके लिए तो खतरनाक हो सकता है कि हमारे भाई जो है वो. तो मैं आपसे वो कहूंगी, आप कैमरा बंद कर लीजिए अपना जल्दी से. ये बातें आप यहाँ अरे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं अच्छा, होती होती. अभी एक बंदी को, कैमरा अभी एक मैं न्यूज उस दिन पढ़ रही थी कि तीन औरतों ने एक औरत का कत्ल कर दिया. किस लिए कत्ल किया? किस लिए बंद कत्ल किया? कि उनमें से कर एक की कोई बच्ची थी 11 साल की, उसको ख्वाब में आया था कि उस औरत ने ब्लास्फेमी की है. ख्वाब में उसने उसने तोहीन की थी और उन तीनों ने जाकर उस औरत को मारा. ये गॉड। ख्वाब में सोचो आपके कहाँ जा रहा है हमारा माशरा. तो मैं इसी वजह से कहूंगी कि आप जरा एहतियात करिएगा. तो हाँ, नहीं देखिए, ओके, जो भी मैं कहती हूँ कि जो बंदा ह्यूमैनिटेरियन और इक्वल राइट्स में बिलीव करता है, उसको यहाँ आने देना चाहिए. मगर हमारे यहाँ पर कनाडा में ना वो सारे मौलवी भर लिए हैं इन लोगों ने, पैसा साधन उनके पास ख्याल से. जी बोले. लेकिन ये है कि देखिए, हर किसी को ने जो होता है, जो बिलीव करता है किसी भी चीज पे, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बिलीव है, आप जो यहाँ पे लाइव बोलती हो, मुझे उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ आप ये क्यों कर रही हो, आप ये क्यों कर रही हो। उसमें भी लॉजिक है, जो आप बात कर रही होती है उसमें बहुत लॉजिक होती है, ठीक है? इसीलिए लोग आपको सुनते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग करती हो, यूट्यूब पे होती हो, तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो चले, थैंक यू सो मच. मैं मुझे बहुत अच्छा लगता चले, आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप जैसे लोग हमको सुनते हैं. वही मैं भी बात कर रही थी. और होपफुली आप जल्दी कनाडा आओ अपनी फियांसे के पास, एंड देन यू नो आजाद माहौल में. वैसे तो दुबई में भी सो आजादी है, ऐसी नहीं है. दुबई इज वे बेटर देन पाकिस्तान. हाँ, बहुत वे बेटर. ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो आर यू इन हाँ, आई कनाडा? एम इन कनाडा. ओके, आई विल कांटेक्ट यू वंस आई विल बी चलो देयर। ठीक है. ओके, ओके, बाय, टेक केयर. चलें, बाय बाय. टेक केयर। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरे फेसबुक पे मैं बात कर रही थी. फेसबुक पे जो है काफी सारे लोगों से मुझसे बात हुई. मेजोरिटी वहां पे पाकिस्तानी होते हैं, मुसलमान ही होते हैं. और आई गेट शॉक्ड माई सेल्फ. मुझे खुद ये दिखता है कि मेरा जो ये पेज है, हाँ गालियां पड़ती हैं, हाँ वहां पे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी आते हैं, मगर मेजोरिटी जो बैठी होती है, जो चुप करके सुन रही होती है. क्योंकि यहाँ पर शायद अगर 200-300 लोग देखे तो शायद 10-15 लोग कमेंट कर रहे होते हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं. तो हमारी जो साइलेंट जो लिसनर्स है ना, वो उनके दिमाग में ये चीजें जा रही हैं, वो सुन रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं शायद, यू नो. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस अप देयर. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, यू नो. इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।